वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। और हमारा पहला मत ये है कि जुरासिक पार्क से अगर बिग डायनासोर अपने हाउस के पास बुलाते हैं हम लोग, तो डायनासोर हमें नहीं मारता है। तो इसलिए मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क में बिग डायनासोर के पास, और इसको लेके चलते हैं हम लोग हमारे न्यू घर की तरफ। और जब तक मैं इसको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तब तक आप जाके यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे घर के पास मैं आ चुका हूँ भाई, डायनासोर भी जस्ट पीछे हमारे। अब मेरे को भाई जल्दी से थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है, थोड़ा सा और पीछे रख लेते। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो आ गई ठीक है। ये आ गई हमारे पिकअप पे, अब एक कार नहीं, सॉरी कार नहीं, बाइक डालनी है हमें, तो बाइक डाल के देखते। बाइक भी आ गई है, अब चला के देखते हम लोग कि ये लोग क्या अंदर रहेंगे या फिर बाहर गिर जाएंगे। पीछे की तरफ तो यार धकेलते हुए जा रहे, लेकिन यार नीचे मत गिरना, बस अटक गई। नहीं, बाइक नीचे गई, एक साइकिल नीचे जाने वाली है, एक गई, ये दूसरी भी कूद गई। भाई ऐसा लग रहा है सभी करके कूद रहे हैं बाहर। नेक्स्ट हम लोग रखेंगे एटीवी, 2222 से आती है, और देखते हैं क्या हमारी हिम्मत इसको झेल पाती है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट अंदर रखी है, देखते हैं क्या ये भी बाहर कूद जाती है या फिर हमारे साथ हमर में बैठी रहती है। चलाते हैं आगे। भाई ये तो परफेक्ट फिट हो गई, ये हिल भी नहीं रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से हमने इसको रखा है ना, इसलिए देखो हिल भी नहीं रही है, तो ये सही है। नेक्स्ट हम रखेंगे दोनों जेट पैक, 320 और 330 से दोनों जेट पैक आ चुके, लेकिन दोनों जेट पैक जो है वो हवा में है, तो क्या होगा गाइस, क्या ये बहुत ही आराम से नीचे गिर जाएंगे। चलाते हैं। नहीं गाइस हमारे जस्ट ऊपर, ये थोड़ा पीछे पीछे खिसक रहे हैं, लेकिन ये थे मतलब पिकअप के ऊपर तो रखे थे। अब तो टो करेंगे हम इसको, पूरी जान लगा रहे हैं हमारा हेलीकॉप्टर, लेकिन यार इसको उठा नहीं पा रहा है। उठेगी उठेगी, उठा थोड़ी सी उठी गई, ठीक है हमने फाइनली स्विमिंग पूल के ऊपर तो इसको कर दिया, और धीरे धीरे करके ये आ चुकी है हवा में। अब इसने भाई वाइब्रेट करना भी छोड़ दिया, मतलब कि अब ये हो चुकी है बिल्कुल ही हल्की, अब हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो फाइनली हमने जेसीबी को टो कर दिया, तो आप भी ये ट्रिक लगा के कर सकते हो। और अगर आपको भी अपने ऐसे ही मिथ देने हैं, तो भाई लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो अपने नाम के साथ, और ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आपके घूम रहे छोटे वाले कंटेनर को रोकना है कैसे भी करके, ये तो मिथ कम चैलेंज ज्यादा हो गया लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा बोला ये रुक जाता है तो ठीक है हम लोग चेक कर लेते हैं। ये है हमारा छोटा वाला मूविंग कंटेनर, और अगर हमें इसे रोकना है ना, तो इतनी हाइट पे तो मुझे लग रहा है जेसीबी शायद आ जाए, ये भी थोड़ा ऊंचा है, जेसीबी का शायद से फ्रंट लोडर या बकेट यहाँ पे आ सकता है, और उससे हम इसको रोक सकते हैं। तो जेसीबी लेके आ चुका हूँ मैं इसके नीचे, ठीक है उठाते। भाई ये तो बहुत ऊंचा है यार, इतना ऊंचा तो ये भी नहीं जा रहा, लाइक अब कैसे रोकूं मैं। नहीं यार बहुत ज्यादा ऊंचा गाइस, हम लोग तो टच भी नहीं कर पाएंगे इसको। थोड़ा सा अगर मैं इसको हल्का सा भाई ऊपर नीचे करूँ ना, तो भी देखो यार इसकी हाइट बहुत ऊपर है। एक काम करते हैं, पीछे वाले से ट्राई करते हैं, क्या लगता है आपको पीछे वाला पार्ट ऊपर जाएगा। उठा के देखते हम लोग इसको, थोड़ा सा और भाई बस, बढ़िया बढ़िया, और ऊपर हल्का सा। नहीं नहीं ये नहीं जा रहा इससे ऊपर तो। अच्छा अब इसको घुमाना पड़ेगा भाई, लेकिन ये कैसे रोकेगा इसको, अगर थोड़ा उल्टा होता ना तो शायद रोक देता मैं। ट्राई करते हैं तब भी लगा के इसको, और आ गया, हल्का सा टच तो हो जाएगा, ठीक है। रुक रही है क्या, रुक रही है शायद से, देखो स्लो हो गई है मुझे लग रहा था। और हाइट चाहिए हम लोग को यार, वो कैसे लाएंगे मुझे। अरे आईडिया आ गया, आ गया गाइस, ये हमारे लेग्स है ना, इससे मैं ऊपर कर लेता हूं अपने टायर को। ये अब आ गया ऊपर, अब रुक जाएगी, ये रुक गई गाइस, रोक दिया हमने भाई फाइनली। मैंने देखो मूविंग कंटेनर को रोक दिया गाइस, नीचे आके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो हमने फाइनली मूविंग कंटेनर को रोक दिया है जेसीबी से, और अब ये हिल सकती नहीं है, क्या पता टूट के बाहर आ जाए थोड़ी देर बाद। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर हाउस कलर भी लिखोगे तो भी हाउस का कलर चेंज हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो, इनका मतलब ये है कि हाउस कलर स्पेलिंग, मतलब कि हम लोग लिखते हैं कि COLOR, ये कह रहे हैं कि COLOUR लिखेंगे ना तब भी हो जाएगा, तो हमने कभी ट्राई किया नहीं है, देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों स्पेलिंग ही सही रहती है। हाउस कलर में लिखा गाइस और इससे भी चेंज हो गया भाई, ये तो मुझे सच में पता ही नहीं था, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग मिनी जेट पैक लेकर ट्रेन में जो डोर खुला है वहाँ जाएंगे और चिपक कर एग्जिट करेंगे ना, फिर देखो मैजिक। ठीक है गाइस, तो हमारा एक डोर खुला है ट्रेन में पीछे वाली तरफ, हम लोग क्या करते हैं कि जेट पैक लेकर उस गेट के पास जाते और एग्जिट करते, तो हो सकता है हम लोग भाई अंदर चले जाए ट्रेन के, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो ये मैंने एग्जिट किया और इसने मुझे पार फेंक दिया, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये गेट जो है वो टेढ़ा है, तो मुझे कहीं और से एग्जिट करना चाहिए।
आइए शायद फिर से करते हैं हम लोग थोड़ा इस बार दूसरी साइड से ना, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग नहीं जा पाए, यहाँ पे भी नहीं जा पाए यार, मतलब शायद हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्या। दूसरी साइड से ट्राई करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये वाली साइड पे ना गेट भी सही है। अंदर का सीन देखो यार आप, अंदर हम लोग जा तो सकते हैं भाई, जगह है आराम से और कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे वही सोचना हम लोग को। ठीक है गाइस, तो करो एग्जिट से करते हैं हम लोग। ये किया भाई, इसने भी बाहर फेंक दिया यार, तो ये मैच बचते हैं। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबाया नहीं है, बहुत वीडियो आप लोग मिस कर देते हो। और कमेंट कर देना अपने अच्छे अच्छे मैच गाइस, ताकि हम उनको ले अगले मैच बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन